की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो। बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं, बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में
रंग जो गम के मेले हैं। केसुओं के साए में हमने शब गुजारी है, ओ केसुओं के साए में हमने शब गुजारी है, केसुओं के साए में हमने शब गुजारी है। अब से जुगा होके, अब से जुगा होके आज तक अकेले हैं, अब से जुदा होके आज तक अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, 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 और हम अकेले हैं। नमस्कार, मैं किशन लोखंडे, संचालक मराठा लाइफ फाउंडेशन वसई। आज सैटरडे क्लब ईस्ट चैप्टर से माननीय अतिथि भूपेंद्र साहब, दिलीप जानकर साहब, अतुल जोड़गे साहब और पीयूष कपाड़ी साहब आके उन्होंने आश्रम की पहानी की। सुबह 8:30 बजे आश्रम में आए, उन्होंने जो साइक्लोन की वजह से नुकसान हुआ था पूरा देखा, आश्रम पूरा देखा उन्होंने, और जो अनाथ लोग रहते उनसे मिले, और जो भी उनको लगा उन्होंने नोट कर दिया, और उन्होंने अपने हाथों से अन्नदान किया। आश्रम में जो 3-4 दिन पहले जो ये हुआ था, साइक्लोन हुआ था, उसकी वजह से आश्रम के बहुत सारा नुकसान हुआ था। पत्ते उड़ गए और पत्ते पानी में गए, नदी में गए थे, पेड़ पौधे टूट गए, और ऊपर का पत्रा गिरने से बहुत अनाज का नुकसान हुआ, कपड़े का नुकसान हुआ, और गाय का चारा का नुकसान हुआ। वो उन्होंने सब देखा और हमें आश्रम में मदद करने के लिए उन्होंने ठान लिया, और जो जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने नोट किया। मैं साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दे के आज वो आश्रम में बहुत टाइम रुके और सुबह का नाश्ते का अन्नदान किया। मैं सैटरडे क्लब का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने जो उनके साहब लोग आके उन्होंने पूरा आश्रम के पानी किया और सपोर्ट करने के लिए वादा भी किया। मैं इसलिए भूपेंद्र साहब का खास कर स्पेशल थैंक्स बोलूँगा कि जो इतने बड़े अतिथि को लेके आए और उनको पूरा आश्रम दिखा दिया। हमेशा भूपेंद्र साहब और सैटरडे क्लब की हमेशा ही मदद मिलती रहती है। हमारे वेस्ट चैप्टर के मंगेश साहब सब आदमी को इकट्ठा करके उनसे अन्नदान और वस्त्रदान का भी प्रोग्राम मनाते हैं। अभी कोरोना के टाइम में थोड़ा सा उनके घर में दिक्कत होने के कारण वो नहीं आ पाए, पर ईस्ट वाले चैप्टर ने बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सैटरडे क्लब का जो भी अतिथि है उनके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभारी। थैंक्स सैटरडे क्लब।